स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज की एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। जिस वीडियो में हमारा वर्क है जी वो स्टेप्स बनाने का है, ठीक है जी। सीढ़ियां दो स्टेप बना के दिखाएंगे इस वीडियो में, कैसे दो स्टेप का निर्माण होता है, कैसे उसे प्लस्तर किया जाता है। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल अपना जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो वीडियो में अभी आप देख सकते हो कि नीचे जो है थोड़ा सा गोल गीटी जो होती है, ठीक है जी, वो डाल दी गई और उसके ऊपर मसाला डालकर तो बिल्कुल जो है लेवल में बनाएंगे जो स्टेप ब्लॉक्स के स्टेप है। सो वर्कर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बनाकर दिखाएंगे और प्लास्टर भी करेंगे इस वीडियो में, कैसे प्लास्टर होता है, कैसे ब्लॉक्स के स्टेप बनते हैं, ठीक है जी। तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो जो ब्लॉक्स लगाए गए हैं इसमें थोड़ा दर्ज रख के दराजी रख के लगाए गए हैं और उसके बाद इसमें मसाला है जो वो ग्रोट किया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। आज की वीडियो में ये वर्क जो है करके दिखाएंगे वर्कर। तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है जी, अंदर जो ब्लॉक्स के अंदर है जो वो वहाँ पर ब्लॉक्स के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे टुकड़े वो डाल दिए गए हैं, ठीक है जी। तो इसको प्रॉपर पूरा करने के लिए, बराबर करने के लिए, लेवल में करने के लिए ये डाले गए हैं और इसके ऊपर बाद में जो फिर देख सकते हो आप गोल गिटी जो होती है वो डाल दी गई है, पत्थर जो होता है छोटा छोटा पत्थर के टुकड़े होते हैं जो वो डाल दिए गए हैं। तो इसके ऊपर बाद में इसको लेवल करके इसके ऊपर थोड़ा पानी डालकर उसके बाद इसके ऊपर मसाला जो है वो डाला जाएगा। देख सकते हो आप वीडियो में कैसे वर्कर जो स्टेप बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है, शानदार वीडियो है। उसके बाद मसाला डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला गया ताकि मसाला जो वो ब्लॉक्स के अंदर तक जा सके। तो अभी आगे आप देख सकते हो वीडियो में फिर इसके ऊपर थोड़ा मसाला डाला गया और बिल्कुल इसे चपटी के साथ, ठीक है जी, चपटी के साथ बिल्कुल लेवल में जो है बिछा दिया गया। तो अभी देख सकते हैं आप दूसरे स्टेप का निर्माण जो वो कर रहे हैं वर्कर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसी प्रकार से फिर वही प्रोसेस है। तो अभी आप देख सकते हो ब्लॉक्स लगाकर फिर जो इसकी छोटी दर्ज है, दर्ज छोड़ी गई है, उसमें सीमेंट जो है ग्राउंड कर दिया गया है और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है पूरा मसाला डाल दिया गया, ब्रिक्स डालकर जो अंदर जगह बची थी उसको पूरा करने के लिए ब्रिक्स डाल दी गई और ब्रिक्स डाल के उसके बाद इसके ऊपर जो है फिर मसाला बिल्कुल डाल दिया, ठीक है जी। सो दोनों स्टेप आप देख सकते हो ब्लॉक्स के जो बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी आगे वीडियो में देखते हैं कि इसे प्लास्टर कैसे किया जाता है, ठीक है जी। इसके कॉर्नर बिल्कुल सीधे प्लास्टर में बनाकर दिखा लेंगे वर्कर बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है जी। अभी आप देख सकते हो इसके ऊपर जो है वो प्लास्टर करना शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रकार से चपटी के साथ जो तीन नंबर स्टेप है उसको बिल्कुल प्लास्टर किया जा रहा है। चपटी के साथ उसका कॉर्नर जो है वो बनाया जाएगा प्लास्टर करके। तो इस प्रकार से देखो मसाला लगा दिया गया। मसाला लगाने के बाद इसके ऊपर जो है गरमाली के साथ इसकी फिनिशिंग जो की जा रही है ताकि इसका कॉर्नर जो बनकर अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो इस प्रकार से ये कॉर्नर बिल्कुल तैयार है जी। स्टेप की जो चौड़ाई है, स्टेप की चौड़ाई वो तकरीबन 10 इंच रखी गई है जी, 10 इंच स्टेप की चौड़ाई है। और जो रेजर है, रेजर जो ऊपर की ऊंचाई होती है, स्टेप की ऊंचाई जिसे रेजर बोलते हैं उसे, तो वो उसकी ऊँचाई जो है वो 8 इंच है। जितना ब्लॉक की ऊँचाई होती है उतना ही है बिल्कुल, ठीक है जी। तो अभी इस प्रकार से देख सकते हो आप इस तरीके से ऊपर फिनिशिंग देने के लिए उसके ऊपर जो गरमाला मार दिया गया। अभी जो रेजर है वो भी प्लास्टर कर रहे हैं चपटी लगा के। तो इस प्रकार से इसको पूरा प्रॉपर प्लास्टर किया जा रहा है। प्लास्टर करने के बाद इसके ऊपर फिर जो है गरमाली मार दी जाएगी और फिनिशिंग इसकी आ जाएगी, ठीक है जी। सो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो जो कैसे लगी है। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख सकते हो जो सामने वाला रेजर है वो भी वर्कर ने जो है बिल्कुल चपटी के साथ इसका कॉर्नर प्रॉपर बना दिया गया है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग। इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे स्टेप बनते हैं, स्टेप का निर्माण कैसे होता है और उसके बाद उसको प्लास्टर कैसे किया जाता है। दोनों एक ही वीडियो में आपको दोनों वर्क जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी, बनाने का काम भी और उसको प्लास्टर करने का काम भी। तो अभी आप देख सकते हो जो लास्ट वाला स्टेप है, तीन नंबर स्टेप, उसे भी
पूरा प्रॉपर जो है ऊपर की साइड जो स्टेप है वो बिल्कुल प्लास्टर कर दिया गया, और सामने वाले स्टेप को भी थोड़ा इसमें थोड़ा सूखा सीमेंट मारा जाता है ताकि जो मसाले की पकड़ वो बन सके अच्छी तरीके से। तो अभी देख सकते हो आप वीडियो में प्रॉपर जो है सामने वाला रेजर वो भी प्लास्टर कर दिया गया तीन नंबर का, ठीक है जी। तो इस प्रकार से गरमाली मार दी जाती है, गरमाली मारने के साथ ही इसकी फिनिशिंग जो है वो सामने आ जाती है, बिल्कुल फिनिशिंग जो है वो बन जाती है इसकी आ जाती है। तो अभी देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दोनों स्टेप जो है बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहे हैं। सो अभी जो साइड वाली है जो प्रॉपर वो भी प्लास्टर हो जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो जी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।